था गुजरात में। मसाले मेरी चाची लेके आती है बाबूजी। चाची लेके आती है बाबूजी। मर्सिडीज कहाँ गई फिर? सर्विस में गई थी। वो सर्विस में गई है? गंदी हो गई थी। ले रायते का नाम क्या रख रखा आपने? बाबूजी प्यार से पप्पी लेते बाबूजी। तो पता तो लगे आपको कम से कम। पापा वाला ही खिला दो। सो हेलो गाइस, छोले कुलचे तो आप लोगों ने बहुत खाए हुए, लेकिन आज जो मैं छोले कुलचे खिलाने वाला हूँ ना आपको, वो होने वाले बकचोद के छोले कुलचे। जी हाँ, आपने सही सुना, बिल्कुल बकचोद के छोले कुलचे। तो आओ एक बार भैया से बात करते हैं। ये भैया का कुछ ऐसा सेटअप है। नमस्कार भैया जी। नमस्कार भैया जी। नमस्कार, कैसे हो? बहुत बढ़िया भैया जी। तो ये इतना यूनिक नाम कैसे रखा आपने, बकचोद के छोले कुलचे? सारी बकचोदी करते खड़े होते जी। सारे दिन यही करते आप? तो छोले कुलचे नहीं बेचते? बेचते क्यों नहीं मेरे खाने तो आदमी पर लोग आ गए जी। बिल्कुल, क्योंकि मैं भी आपके पास बहुत दूर से आया हूँ। बिल्कुल मेरे भाई जी। और लोग कहाँ कहाँ से आते हैं वैसे आपके पास? बहुत दूर दूर से आते हैं, वीडियो देख के आते हैं जी। वीडियो देख के आते हैं। छोले कुलचे कितने रुपये की प्लेट रहती है आपकी? बाबूजी 50 रुपए के दो हैं। 50 रुपए के दो? हाँ जी। इसमें 70 के भी हैं, 80 के भी हैं बाबूजी। अच्छा अच्छा, महंगे से महंगे मिल जाएंगे। हाँ जी। उनमें अलग प्रकार की बकचोदी तो नहीं होगी? नहीं जी नहीं, बकचोदी सेम सब में। हाँ जी हाँ जी। तो कुछ करके बताओगे हमें भी? हाँ बिल्कुल बाबूजी। कौन से? तो ये कौन से कुलचे लगा दिए अंकल? बाबूजी लंबे लगाए, पीछे से लाल करोगे? पिछवाड़ा। पिछवाड़ा लाल करोगे अभी? कुलचे का पिछवाड़ा। अच्छा, कुलचे का पिछवाड़ा? मुझे लगा मेरा ही कर दोगे कहीं आप। ठीक है फिर, ठीक है भाई। ये देखो कुलचे का पिछवाड़ा लाल हो रहा है अभी। ये जो पिछवाड़ा लाल करते हैं, ये किस चीज़ से करते हैं अंकल? मक्खन लगा के बाबूजी, पीछे से मक्खन लगा के। और ये क्या डाल दिया? बटर डाला मैंने आपके लिए। अच्छा बटर डाला है। और ये यहाँ पे क्या रखे अंकल? मटर आगे बाबूजी। मटर आगे लो भाई। इसमें भी कुछ अलग है? बहुत कुछ है बाबूजी। बहुत कुछ है तो कुछ बताओगे हमें भी? ये देखो फ्राई कर रहा बाबूजी, मसाले वाले बाबूजी आपके। अच्छा, ये मसाले फ्राई हो रहे हैं हमारे। हाँ जी। मसाला कैसे खाएंगे? बच्चे लगाएंगे, पापा वाला खाएंगे? पापा वाला ही खिला दो, पापा बनने का शौक आप तो। अच्छा जी। हाँ जी, छोले कुलचे भाई यही खाएंगे हम। ये चोकोबार है, दिखाना एक बार। हरी वाली मेरे भाई जी। अच्छा, ये हरी वाली चोकोबार आ गई भाई। ये भी उसके पिछवाड़े में दबा दी तो मिर्ची नहीं लग जाएगी? नहीं लगेगी। अच्छा चोकोबार है, तो सही कह रहे। ये चीज क्या आ गई? ये पीली मिर्च आ गई। बहुत से लाल मिर्च लगाते हैं, पीली मिर्च लगाते हैं। अच्छा अच्छा, पीली मिर्च लगा के खिलाते हो लोगों को? ये फिर से पीला मसाला आ गया आपका? पीली मिर्च। पीली मिर्च। तो ये ऊपर से डाल दी प्याज, टमाटर। ये टमाटर डाल दिए। पिछवाड़ा दिखाना अंकल हमें थोड़ा सा। ये आपका जो चॉकलेट चोकोबार, चोकोबार। और ये नींबू डाल दिया। इस तरह से लाल हो जाता पीछे से पिछवाड़ा। अरे वाह, ये पूरा पूरा लाल कर दिया आपने तो पिछवाड़ा। हाँ। चलिए, रायते का नाम क्या रख रखा आपने? बाबूजी प्यार से पप्पी लेते बाबूजी। अच्छा। पप्पी ले तो पता तो लगे आपको कम से कम। रायते की पप्पी लेके पता चलेगा? बिल्कुल बाबूजी। लो ए। और अंकल वो सुना था आप मर्सिडीज में आते हो? बिल्कुल है, लेकिन दो दो बाबूजी अपने पास। तो वो कहाँ गई? खुद की 4 गर्लफ्रेंड है बाबूजी। गर्लफ्रेंड भी है जी बाबूजी। अरे अंकल, फिर आईडी कुछ इंस्टाग्राम की हमें भी? या आप ही की है वो? सारी हमारी बाबूजी। अच्छा, आप ही की हैं। बाबूजी छोले कुलचे बड़े जबरदस्त हैं इनके, पिछवाड़ा लाल वाले बकचोद जी के। अंकल जी, मैंने सुना आपके छोले कुलचे खाने से मोटे हो जाते हैं। बिल्कुल हो जाते हैं मोटे। तो मैं हो जाऊंगा अंकल? बिल्कुल हो जाएंगे मेरे भाई। कितने खाने पड़ेंगे? 2 कुलचे खाना बचे पाओगे। कैसा हो जाऊंगा फिर? बिल्कुल बैठ जाओ। आपकी तरह लो भाई, ये छोले कुलचे खाने हैं तो मोटे हो जाओगे बिल्कुल। ये जो आपके मसाले, इनका कुछ राज बताओगे अंकल? भैया ये मसालों का कुछ राज बताओ। मसाले मेरी चाची लेके आती है। चाची लेके आती है बाबूजी? तो चाची कहाँ की है? दुकान की है। दुकान की है? हैदराबाद की हमारी चाची है। अच्छा, हैदराबाद की है। वो हैदराबाद से स्पेशल बना के लाती है मसाले? शिकारपुर की हमारी चाची है। शिकारपुर की? अरे वाह, तो शिकायत नहीं आती फिर? नहीं बाबूजी। शिकारपुर से? नहीं जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। चाची किन को लेकर घूमती है? चूतियों में लेके घूमती है। अनार का जूस भी बेचते हो? यार मतलब वो पप्पी जो देखी थी मैंने, उसके साथ अनार का जूस भी है? तो छोले कुलचे के साथ क्या क्या बेचते हो ऐसा? तो बहुत कुछ मिलता है। लो भाई चोकोबार दे दो, बच्चे चोकोबार खाते अंकल। अंकल सुना, मतलब जो आपके जो छोले कुलचे खाते हैं उनकी शादी हो जाती है, जो कुवारे होते हैं? मेरे छोले कुलचे खाते हैं जो अमर रहते हैं मेरे बाबू। अमर हो जाते हैं? अमर हो जाते हैं। शादी वादी? तो भोले बाबा का प्रसाद है बाबू। अच्छा, भोले शादी नहीं होती फिर? सुना है ऐसा? शादी आदमी दो दफा शादी होती है, एक 4 कंधे पे और खुशी खुशी जाता है। अच्छा अच्छा। और ये जो नींबू डालते हैं, नजर उतर जाती है जिसके नजर लगी हो? हाँ बिल्कुल मेरे बाबू। ये काट दिया किसको? नींबू को। नहीं अंकल, नींबू ही काटा और कुछ नहीं काटा। ये पिछवाड़े लाल हो रहे हैं ना जी बाबूजी? अंकल ये चोकोबार तो बड़ी मीठी है। बिल्कुल भाई जी, खाते ऐसे दिल गार्डन गार्डन हो गया। बिल्कुल भाई जी। अगर आपके पास कोई आना चाहे तो लोकेशन क्या रहेगी? आंखें बंद करके आ सकते हैं बाबूजी। आंखें बंद
तो पहुँचेंगे कैसे अगर आँखें बंद कर ली तो? किस्मत वाले पाओगे पहुँचाएंगे मेरे पास, आप गूगल मैप डालो पहुँचाएंगे मेरे पास। गूगल मैप का लोकेशन मतलब नाम क्या रहेगा जगह का? बकचोद के छोले कुलचे दरियागंज। कितने साल से लगा रहे हो अंकल यहाँ पे आप? कुआरा था सर, सुबह मर गया कुआरे से। और अब शादीशुदा हो? जी भैया। कितने साल के हो गए आप? 16 साल का हूँ मेरे भैया जी। 16 साल के ही हो? तो आपसे बड़ा तो मैं हुआ फिर। बिल्कुल मेरे भैया जी। तो अंकल वो जादू की झप्पी क्या है? ये नहीं भैया जी। अच्छा ये तो मुझे मिली हुई है। घर लेके मत जाना भैया जी, शाम को धोखे लगानी पड़ती है। ठीक है ठीक है। तो अंकल एक वो हमें भी दोगे? क्या है मैं तो बोलूंगा नहीं, आप ही बता दो। तो एक हमारा भी डाल दो फिर। हाँ बिल्कुल ना क्या है। अच्छा अच्छा, बिना नाए को नहीं देते? घर शाम को धोख लगती है। तो अभी होटो पे पप्पी लगा के रायते का टेस्ट करेंगे। अंकल जी अगर गर्लफ्रेंड को लाए तो कुछ ऑफर है? जब तक आपको भैया ना बोले बाबू जी, छोटे दूसरे के लाएंगे। अब तक भैया नहीं बोले, जब छूट मिलेगी आपको? अच्छा छूट मिलेगी जब? जब आपको भैया बोलेगी बाबू जी। नहीं गर्लफ्रेंड की बात करें ना ब्रो। हाँ गर्लफ्रेंड के करो। अरे वाह, आपकी माँ हमारी माँ है, आपकी बहन हमारी बहन। अच्छा आपकी गर्लफ्रेंड? नहीं 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 नहीं। तो गाइज मैं बिल्कुल भूखा आया था अंकल जी के पास छोले कुलचे खाने, मेरा तो पेट भर। अभी तो मेरा पैक करना भी है कुलचे भी, घर लेके खाऊंगा। नहीं मैं तो ऐसे मजाक कर रहा था। अच्छा मेरे बेटे। हाँ जी हाँ जी, मैं भूखा ही आया था बिल्कुल। अच्छा मेरे बेटे। हाँ जी, आप मजाक भी कर लेते हो? आप मजाक करते हमसे ज्यादा तो बहुत। अंकल पहले आपके यहाँ पे एक मर्सिडीज खड़ी रहती थी, वो तो मैंने बहुत बार देखा है। आप दूसरे टाइम भेजी देखा ना लाइन पे? अच्छा वैगनर। मर्सिडीज कहाँ गई फिर? सर्विस पे भेजी। वो सर्विस पे गई है? वो गंदी हो गई थी। अच्छा दो दो है ना? चार चार लगते भेजी। अच्छा चार रखते हो? अच्छा छोले वोले लेके आने के लिए? हाँ बहुत। अच्छा अच्छा, यदि पेमेंट किस मोड से करनी है फिर? चेक से चलेगी मेरी भेजी। ओनली चेक? तो मेरे पास तो कैश था। और बात है पेटीएम कर तो पेटीएम हो जाता, देख लो पेटीएम भी हो जाएगा। जी बहुत। ठीक है ठीक है, मतलब आगे से अगर आऊँ तो चेक ही लेके आऊँगा। जी भेजी। ठीक है। और भाई भैया के पास कंप्लीट लाना मेरे भाई जी। कौन सा? जो बाउंस हो जाते चेक। अच्छा जो बाउंस हो जाए वो लेके आने। ठीक है। और भैया के पास? अंकल के पास। सॉरी अंकल के पास खाने हैं आपको छोले कुलचे, साथ में मिलेगी चोकोबार, प्यार वाली झप्पी। बिल्कुल भाई। और पप्पी। बिल्कुल झप्पी और पप्पी दोनों मिलेगी। झप्पी और पप्पी दोनों मिलेगी भाई, एक बार जरूर आए दरियागंज बकचोद के छोले कुलचे खाने स्पेशल।